के प्रति हमारी ये सबसे बड़ी निष्ठा होगी और लोकतंत्र के प्रति हमारी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण भी होगा। आपका ये वोट कितना कीमती हो सकता है ये आपने कल और परसों महसूस किया होगा। हमें से जितने लोग हैं ना वे बचपन में और बचपन से इस गाने को सुनते रहे होंगे होली के अवसर पर, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले, सुनते रहे होंगे ना। लेकिन क्या सचमुच पिछले 500 वर्षों से रामलला ने होली खेली थी क्या अवध में? आपके एक वोट ने साबित कर दिया कि नहीं, रामलला अपने अवध में होली खेली। आपका एक वोट देश की तकदीर को कैसे बदल सकता है? कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया, क्या ये कोई और पार्टी कर पाती? ये केवल धारा 370 नहीं हटी, देश के अंदर उग्रवाद और आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील थी, प्रहार है ये उस पर। भारत के अंदर अब आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं, एक संदेश भी है। अब कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों के जवानों पर कोई पत्थरबाजी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बहारें अब जम्मू कश्मीर के अंदर खिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर भी शेष भारत का हिस्सा उसी प्रकार से है जैसे देश का कोई अन्य भाग है। पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद नहीं है, एक वोट ने पूरे पूर्वोत्तर भारत को अपने साथ जोड़ दिया है। आपका एक वोट आपके जीवन में कितना बेहतरी ला सकता है? ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, हमारा जो प्रबुद्ध वर्ग है ना ये सब हमेशा इस बात के कहता था जीवन की सुगमता कैसे होनी चाहिए, उसमें सुरक्षा हो, बेहतर वातावरण हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए उस प्रकार के अवसर हो, व्यापार के लिए अनुकूल माहौल हो। क्या सचमुच 2014 के पहले देश के अंदर और 2017 के पहले क्या उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार का माहौल था क्या? नहीं था। यही गाजियाबाद है, 1998 से मैं सांसद था। गाजियाबाद आने में हम लोग एक बार हिचकते थे दो कारणों से, एक गाजियाबाद अपराध के लिए और दूसरा गाजियाबाद गंदगी के लिए, ये दो के लिए बहुत वैसा था, इस प्रकार की अव्यवस्था थी। और आज गाजियाबाद स्मार्ट सिटी में नंबर बनाता है, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट का, पुलिस रिफॉर्म का सबसे अच्छा उदाहरण बनता जा रहा है, ये गाजियाबाद की पहचान बन गई, सुरक्षा का बेहतर माहौल। अभी मैं यहां पे रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों का परिचय ले रहा था, यानी वर्षों से जिन लोगों को मकान नहीं मिल पाए थे आज गाजियाबाद में संभव हो पाया है कि उन बायर्स को बिल्डर समय पे मकान दे रहे हैं और बेहतर तरीके से दे रहे हैं। क्या चेहरे पे चमक है उन लोगों की जिन लोगों को वर्षों के बाद अपना आवास मिला है? ये केवल बिल्डर की गलती नहीं थी, सरकार की अकर्मण्यता भी थी जो निर्णय नहीं ले पा रही थी। सरकार ने निर्णय लेना प्रारंभ किया, एक साथ दोनों के साथ संवाद बनवाया, आज परिणाम क्या है? बिल्डर बायर की समस्या का समाधान अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच रहा है, लाखों लोगों को उसका आवास मिल रहा है। लाखों लोगों का मतलब लाखों परिवारों का मतलब लाखों लोग उससे लाभान्वित होंगे, उनका ईज ऑफ लिविंग उनके लिए वही है, एक आवास सिर ढकने के लिए, अब किराए पे नहीं रहना पड़ेगा, अपने स्वयं के मकान पर रहना पड़ेगा, एक स्वावलंबन का माहौल उसके घर के लिए। यह अवसर कैसे? एक वोट ने बदला है। पहले दंगे होते थे, आज दंगा नहीं है, दंगों के कारण कर्फ्यू लगता था, आज कर्फ्यू नहीं है, आज तो कावड़ यात्रा निकल रही शानदार तरीके से।
पहले कावड़ यात्रा इसलिए नहीं निकलती थी कि कुछ लोगों को कष्ट होगा, कुछ लोगों को कष्ट होगा। हमने कहा कि भी देखो, हम किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो समाज को संतुष्ट करने के लिए आए हैं, और समाज की संतुष्टि यह है कि आस्था का सम्मान होना चाहिए। भारत की सनातन आस्था का सम्मान होना चाहिए, और आस्था का सम्मान कावड़ यात्रा से होगी। हमारा सनातन धर्मावलंबी किसी को छेड़ता नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से जीवन यापन करना चाहता है। कावड़ यात्रा का जब निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि इससे पहले पैन था, कोई राज्य नहीं निकालने दे रहा था, और ये सब चीजें तय थी पहले से, एक लिखित डॉक्यूमेंट बना हुआ था, उसके अनुसार सब लोग उसको केवल लागू करते थे। हमने कहा भी क्या है, क्या बैठक हुई? उन्होंने कहा साहब बैठक हो गई। अरे हमने कहा हुआ क्या, क्या तय हुआ? कहा सब कावड़ यात्रा नहीं निकल पाएगा। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है, हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा, और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूं, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा। लेकिन मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा, हमें निकालना है तो निकालना है। कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी, चाहे अन्य राज्य स्वीकृति दे न दे, यूपी के अंदर हम निकालेंगे। लोगों ने कहा करोड़ों लोग आएंगे, मैंने कहा ये तो और अच्छा अवसर है, और अच्छा अवसर है अपने आप को साबित करने का कि हम करोड़ों लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से, और हमने किया करके दिखाया। हमने देखा होगा कावड़ यात्रा भी शानदार तरीके से चली, कुंभ में 24 करोड़ लोग आए, श्रद्धालु आए, तिनका नहीं हिला। अभी अयोध्या में लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, कर चुके हैं, कितना शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन चल रहा है। जो जा रहा है नई अयोध्या में अयोध्या तो हो ही रहा होगा ना, अब उसको लग रहा है ना ये अयोध्या है। एक वोट ने ये चेंज लाया है। बहनों और भाइयों, आज वही कहने के लिए मैं आया हूं कि सबसे पहला काम, आप सभी लोग समाज का नेतृत्व करते हैं, समाज को अपने अपने सेक्टर में नेतृत्व प्रदान करते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को लोकतंत्र के प्रति जागरूक करके वोट डालने के लिए प्रेरित, स्वयं भी वो और लोगों को करें भी, बहस नहीं, वोट उसकी कीमत, और उसके लिए अपने आप को तैयार करना। दूसरा जो चेंज आया है पूरे देश के अंदर, यह एक करिश्माई व्यक्तित्व के कारण, और वह नाम है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी के कारण दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी, मोदी जी के कारण देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, मोदी जी के कारण आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई, मोदी जी के कारण आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रैपिड रेल,